तो मैं यहाँ पे प्रिंटर की बात कर लेता हूँ। तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं एस एरो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर, जा रखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर उपासना ने कमेंट किया, बाकी वाले भी कमेंट कर दे। और दूसरी जो टाइप है वो है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की दो टाइप हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, ये सबको बताना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब आपसे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलता है, चाहे वो जो मर्जी प्रिंटर बोले, प्रिंटर सारे आउटपुट ही होंगे क्योंकि ये भी इसकी ही टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी प्रकार से आपने मेमोरी भी देखी होगी, मेमोरी की भी कितनी टाइप्स होती थी? मेमोरी की भी दो टाइप्स होती थी। ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कंपेयर करके, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे कि मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसी तरह से प्रिंटर की दो टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जा रखेंगे दो टाइप के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब प्रिंटर होता क्या है ये भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे मेन मेन, बाकी डिटेल में मैं आपको थ्योरी में करवाता हूँ। तो सीरथ मराल ने कमेंट किया, बाकी वाले भी कमेंट कर दें, ऋतिक, प्रियंका शर्मा। एंड यहाँ पे बता दें कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सिंपल सी बात याद रखनी है, प्रिंटर क्या करता है, दो प्रकार की कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है। एक सॉफ्ट कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट या पिक्चर पड़ी होती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जब तक वो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर है, मतलब जो जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है। जैसे हम उसका प्रिंट निकाल देते हैं पेज के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। वो टेक्स्ट भी ही हो सकता है, वो आपकी इमेज भी हो सकती है, मतलब कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है। तो हार्ड कॉपी का पता चल गया, जब प्रिंट निकाल देते हैं तो हार्ड कॉपी बन जाती है, और स्क्रीन के अंदर ऐसे जो डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, पीडीएफ पड़ी है कोई कंप्यूटर के अंदर, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये एक कंसेप्ट जा रखेंगे। अब ये सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या आ सकता है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि प्रिंटर क्या करता है, किसी इमेज प्लस कोई टेक्स्ट होगा, उसको क्या करता है, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ आउटपुट डिवाइस है, जा रखेंगे। अब हमेशा जा रखना, सबसे पहला जो मल्टीपल निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। अगर प्रिंटर की हमें क्वालिटी मेजर करनी है ना, क्वालिटी जो मेजर की जाती है, क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो यहाँ पे क्वालिटी जो मेजर की जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, मेजर की जाएगी वो किसमें की जाएगी? वो की जाएगी डीपीआई में। डीपीआई की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डॉट पर इंच। तो क्वालिटी जो मेजर की जाएगी प्रिंटर की, वो की जाएगी डॉट पर इंच के अंदर, जा रखें हमेशा। तो जितने भी यहाँ पे प्रिंटर आ रहे हैं, प्रिंटर की क्वालिटी हमें मेजर करनी है तो हमें डॉट पर इंच के अंदर मेजर करनी है क्वालिटी। दूसरी बात आती है स्पीड। अगर हमें ये पता लगाना है कि प्रिंटर कौन सा कितनी स्पीड में काम कर रहा है, उसके लिए हमें उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो जो हम स्पीड मेजरमेंट करते हैं, बेसिकली वो आप क्या कहोगे, उसको हम बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रिंटर कौन सा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन तीन चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला आ गया आपका CPS, करेक्टर पर सेकंड। तो जितने भी करेक्टर आपके पर सेकंड के अंदर होते हैं, वो आपको याद रखना है, वो आपकी स्पीड मेजर करते हैं। फिर हम बोल सकते हैं लाइन पर सेकंड, कि एक प्रिंटर मतलब क्या करता है, एक सेकंड के अंदर कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है प्रिंटर, उसको हम उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो पेज पर मिनट के हिसाब से आप मेजर कर सकते हो,
पेज पर मिनट के हिसाब से। तो ये आपने जा रखना है, यहां पे आ गया करेक्टर, करेक्टर पर सेकंड, मतलब 3 यूनिट हैं जो मेजर करने के लिए हैं, और क्वालिटी मेजर करने के लिए सिंपल है डीपीआई डॉट पर इंच, और इसी में से मल्टीपल आएगा। और ये आपने जा रखना है लाइन पर सेकंड, एंड फाइनली ये आपका पीपीएम क्या आ गया, पेज पर मिनट। तो ये आपने यहाँ पे पेज जो पर मिनट है वो जा रख लेना है। अब हम बात करेंगे पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रिंटर की स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा आपको मेजरमेंट यूनिट यूज़ करना है, तो फाइनली वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस ये जा रखना क्वालिटी जो मेज़र कर की जाती है वो आपकी डॉट पर इंच में की जाती है, और स्पीड की मेजरमेंट के 3 यूनिट होते हैं, CPS, LPS, PPM। अब हम बात करते हैं अगर हम इनका कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये कुछ चीज़ें जा रखना। ये आपका पोअर क्वालिटी होती है, पोअर क्वालिटी मतलब इसकी क्वालिटी बड़ी कम होती है, जा रखना हमेशा सभी। अब इम्पैक्ट के अंदर मैं जितने भी बता दूंगा अभी आपको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल में पूछ लिया जाएगा कि क्वालिटी में कौन सा अच्छा होता है, इम्पैक्ट होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे होते हैं। हो सकता है नॉन इम्पैक्ट की कोई एग्जांपल दी हो, लेज़र प्रिंटर दिया और इसमें आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स दी हो, तो आपने जा रखना है कि सबसे पोअर क्वालिटी किसकी होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसके इसके जितने भी प्रिंटर होंगे इनकी आल सबकी क्या होती है, हाई क्वालिटी होती है, जा रखें हाई क्वालिटी, और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनकी पोअर क्वालिटी होगी और इनकी लो स्पीड होगी, लो स्पीड मतलब एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जा रखना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे होते हैं, हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं। तो फाइनली प्रिंटर दो टाइप के, यह आपने समझा, राहुल खजूरिया और विधि शर्मा, एंड फाइनली दीपाशा चौधरी ने अभी कमेंट किया हुआ है। तो प्रिंटर को आपने दो कैटेगरी में समझा, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपने पढ़ा कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो प्रिंटर अच्छे होंगे, क्वालिटी उसकी ज़्यादा होगी, फाइनली उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी इम्पैक्ट प्रिंटर से। फिर आपने समझा क्वालिटी मेज़र की जाती है डॉट पर इंच के अंदर, और स्पीड मेजरमेंट 3 यूनिट के अंदर की जाती है, करेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से भी की जाती है, लाइन पर सेकेंड के हिसाब से भी की जाती है, और पेज पर मिनट के हिसाब से भी की जाती है। तो करण ने अभी कमेंट किया हुआ है, एंड फाइनली बाकी वाले हम पूरा आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर की, मैं थोड़ा सा जूम हाई कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल यूज़ करूँगा क्योंकि मैं आपको ना जैसे पढ़ाऊँगा तो उसके साथ आपको मे बी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो कुछ इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए। आपने आसपास प्रिंटर देखे हैं लेकिन अगर आप पिक्चर देख लेते हो तो आपको उसका आइडिया लग जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर की, प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, सिंपल सी बात है, कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। कोई इन्फॉर्मेशन आपको पेपर के ऊपर प्रिंट करनी है उसके लिए हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं, ये सबको पता होगा, सबको पता है कि हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं, सबको पता है पेपर के ऊपर ही प्रिंट करते हैं। एंड फाइनली मैंने आपको एक चीज़ इसके साथ बता दी थी, ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट प्लस इमेज होती है उसको क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा हार्ड कॉपी के अंदर। ये भी अभी आपसे मतलब मल्टीपल में पूछ लिया जाता है तो इसको जा रखें, क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा और थोड़ा आप क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज करें। वीडियो की जो क्वालिटी है ना आप 144 पिक्सल पे रखते हो ना, तो मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप 240 पिक्सल पे रखा करो एटलीस्ट। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको जूम कर दिया और जूम कर लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे आपकी मेमोरी है, मेमोरी आपकी कितने टाइप की थी, तो मेमोरी आपकी दो टाइप की पड़ी थी आपने, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरह से प्रिंटर की जो दो टाइप्स हैं मेन, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है मैं ये भी बता देता हूँ, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर पूछा जाता है कि वहाँ पे इम्पैक्ट की भी एग्जांपल दे देंगे और नॉन इम्पैक्ट की भी एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे बताओ कि इनमें से इम्पैक्ट कौन सा है या इनमें से नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। तो 3 इम्पैक्ट होंगे, एक नॉन इम्पैक्ट होगा, तो नॉन इम्पैक्ट वाला पूछ लिया जाता है।
तो वो भी हम करेंगे, आपको कभी भी जा नहीं भूलेंगे, तो जा रखना इस चीज़ को। अभी आप इम्पैक्ट प्रिंटर पे चलें, इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने सिंपल सी बात, अब इम्पैक्ट क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। इम्पैक्ट के लिए ना एक ही लाइन जा रखनी है, क्या लाइन जा रखनी है, जिसमें आपको जा रखना है, जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को फिजिकली टच करके प्रिंट करता है जो प्रिंटर, उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, इंक इंक और जो आपका पेपर होता है ना, वो आपका फिजिकली टच होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इंक एंड जो आपका पेपर है वो क्या होता है, फिजिकली टच होता है, फिजिकली टच होगा। इंक और पेपर फिजिकली टच होके क्या करता है, पेपर के ऊपर मतलब जो इंक होती है वो टच होती है फिजिकली, देन प्रिंट करता है, उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। पहली बात ये आप जा रखोगे, इसमें आपने एक चीज़ जा रखनी है, इसमें रिबन का यूज़ किया जाता है, जा रखें इसमें रिबन का यूज़ होता है। इसमें किसका यूज़ होता है, पहला आपने पढ़ा कि इंक और पेपर का फिजिकल टच होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड फाइनली इसमें रिबन का यूज़ होता है। और आगे हम पढ़ लेते हैं, इसको देख सकते हैं इम्पैक्ट। और मैंने जैसे बताया था कि इम्पैक्ट अच्छे होते हैं या नॉन इम्पैक्ट, तो जा रखना नॉन इम्पैक्ट अच्छे होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे होते हैं, हमेशा जा रखना। द प्रिंटर दैट प्रिंट करेक्टर्स, द प्रिंटर दैट प्रिंट करेक्टर, जो करेक्टर वाइज करेक्टर्स प्रिंट करता है, वाई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ रिबन। ये मैंने आपको बताया कि रिबन का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था रिबन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपने ये जा रखना है, रिबन का यूज़ करते हैं। एंड देन ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। बस इतनी सी एग्जाम्पल जा रख लीजिए, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जा रखना है कि वो प्रिंटर जो मतलब करेक्टर्स प्रिंट करते हैं, स्ट्राइकिंग अंगेंस्ट रिबन एंड देन ऑन टू द पेपर। सिंपल सी बात है, इंक और पेपर का फिजिकली टच होता है, उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जिसमें इंक और पेपर का फिजिकली टच नहीं होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रिबन का यूज़ होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका कार्ट्रेज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी दो टाइप हैं, सिंपल वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे प्राय जो आपकी मेमोरी थी ना जो आपकी, तो यहाँ पे एक साइड पे मेमोरी लिखते हैं, एक साइड पे प्रिंटर लिखते हैं। तो मेमोरी की दो टाइप थी, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रिंटर की दो टाइप थी, क्या थी, एक इम्पैक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जैसे आपकी प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप होती है, क्या टाइप थी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप थी, इसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर की भी दो टाइप है। इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप है, देख सकते हैं, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब वो जो दो टाइप है यहाँ पे जा रखेंगे, वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप थी रैम एंड रोम, इसकी दो टाइप है, वो कौन सी है, वो है करेक्टर प्रिंटर, जा रखेंगे करेक्टर प्रिंटर। और साथ में आपको जा रखना है यहाँ पे, ये आपका आ जाता है लाइन प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, सिंपल पैटर्न वही चल रहा है मेमोरी वाला। यहां पे मैंने आपको बताया कि मेमोरी की दो टाइप थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की दो टाइप थी रैम एंड रोम। तो आपसे अगर मल्टीपल पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर की कितनी टाइप होती है, आप बोलोगे दो टाइप्स हैं, सिंपल सी बात है ना। तो जा रखोगे इस चीज को, क्योंकि मेमोरी वाला कंसेप्ट दिमाग में तो है आपके। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं, तो उसकी भी दो है, वहां पे एग्जाम्पल में भी दी होगी आपको, करेक्टर भी प्रिंटर भी दिया होगा और लाइन प्रिंटर भी दिया होगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है अगर कि करेक्टर प्रिंटर की कितनी टाइप है, तो उसके अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मल्टीपल पूछा जाता है यहां से ही पूछा जाता है। तो करेक्टर प्रिंटर की जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है दीज प्रिंटर वन करेक्टर एट ए टाइम। एक करेक्टर क्या होता है, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे ए लिख रहा हूँ बी लिख रहा हूँ, तो ये ए बी क्या है, एक आपका करेक्टर माना जाता है, एक लेटर जो भी वन बाई वन प्रिंट कर रहा है, मतलब एक बार में एक लाइन नहीं प्रिंट कर देगा ये क्या करेगा,
वन बाई वन प्रिंट कर रहा है, पहले इसने जो भी लिखा होगा वो प्रिंट कर रहा है, ए लिखा फिर बी लिखा, मतलब ऐसे लेटर्स को लिख रहा है। वन करेक्टर एट ए टाइम, ये आपको याद रखना है, करेक्टर प्रिंटर यहां पे लिखा हुआ है करेक्टर, तो क्या कर रहा है, वन करेक्टर एट ए टाइम। अब आपने कहना है कि इसको दो कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी डेजी व्हील प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर की भी दो टाइप है, इम्पैक्ट की दो, देख प्रिंटर की दो टाइप है, इम्पैक्ट की दो टाइप है, करेक्टर की भी दो टाइप है। तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जांपल आपको मल्टीपल बार बार आएगा, इसमें से आएगा क्योंकि इसका यूज मैक्सिमम होता है। अब कैसे होता है मैं बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे होता है ये भी बता देता हूँ। दीज आर मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर बिकॉज ऑफ देर इज इजी ऑफ प्रिंटिंग फीचर, इसमें इजी ऑफ प्रिंटिंग फीचर है, एंड दे कम एट लो कॉस्ट, इसमें लो कॉस्ट पड़ती है। हाँ, अगर मान लो कि आपकी लो कॉस्ट पड़ रही है तो सिंपल सी बात है उसकी स्पीड भी कम हो रही है, जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे ना उतनी ज़्यादा स्पीड मिलती है प्रिंटर के अंदर, तो याद रखना इस चीज़ को। तो सिंपल सी बात है, वन करेक्टर एट ए टाइम करेक्टर प्रिंटर करता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करेगा, डॉट से ही पता चल जाता है। ये क्या करता है, ये डॉट डॉट लगा के ऐसे प्रिंटिंग करता है, डॉट डॉट करके। अब आप बोलोगे क्या, अब इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मान लो कि आपने किसी ने वहाँ पे टिकट काउंटर होगा जो रेलवे स्टेशन पे होता है, वहाँ पे टिकट ली होगी, तो टिकट पे देखना जो आपका नाम लिखा होता है ना, वो ऐसे डॉट वाई डॉट 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 करके लिखा होता है, जो भी नाम होगा वो डॉट डॉट करके लिखा होता है, पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना आपके घर पे, उसके ऊपर भी जो आप देखोगे वो नाम लिखा होता है ना, ये बिल किसके नाम है, तो उसके जो नाम लिखे होंगे वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, डॉट मैट्रिक्स का डॉट प्रिंटर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल मैंने बोला आपको कि इलेक्ट्रिक बिल जो भी आते हैं वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, वो डॉट डॉट करके प्रिंट किया होता है, स्पीड स्लो होती है, बस ऐसा जा रखे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ईच करेक्टर इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट। सिंपल सी बात है, जो भी प्रिंटर का नाम है ना उसी में आपको दिखाई दे रहा है, डॉट का मतलब है कि पैटर्न जो होगा वो डॉट बना के ही कुछ भी प्रिंट करेगा, करेक्टर का मतलब होगा वन करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करेगा। एंड फाइनली यहाँ पे दीज डॉट एंड हेड्स कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स पिंस ऑफ साइज, तो ये आप पढ़ याद कर सकते हो, 5 × 7 हो सकता है, 7 × 9 एंड 9 × 2। एंड फाइनली आपने जा रखना है दैट रिजल्ट इन फॉर्मिंग अ करेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं हम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि डॉट बाई डॉट प्रिंट कर रहा है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलेंगे। आगे नेक्स्ट चल रहे हैं, तो यहां तक समझ आ गया होगा कि करेक्टर प्रिंटर की दो टाइप बोली, डॉट मैट्रिक्स एंड ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स आप याद ही रख लोगे कि सिंपल सी बात है, आपका जो डॉट बाई डॉट प्रिंट कर रहा है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अब यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर है, अब ये डेजी व्हील प्रिंटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना एक व्हील लगा होता है, ऐसे गोल सा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो एक व्हील लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है सारा कुछ, तो वो देन उसके बाद वो प्रिंट करता है। तो थोड़ी सी अगर यहाँ पे पिक्चर को दिखाया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर होगा। फाइनली मैं यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले आप, ये प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये आपने देखा होगा, ये आपका यहाँ पे जो काउंटर होते हैं टिकट काउंटर होते हैं उसके ऊपर आपको ये देखने को मिल जाता है, ये आपका प्रिंटर है। और ये देख सकते हैं टिपिकल डॉट मैट्रिक्स आउटपुट, ऐसा देखा होगा आपने, इस टाइप का देखा होगा, तो ये आपकी जो डॉट आते हैं ऐसे प्रिंटिंग होती है, इलेक्ट्रिकली बिल पे भी होती है और आपकी जो टिकट होती है तो उसके ऊपर भी वैसा ही होता है, तो ये आपके डॉट बाई डॉट बने होते हैं, देख सकते हैं ये छोटे छोटे डॉट है, इसने जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। फाइनली यहाँ पे चल रहे हैं कि अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि डॉट बाई प्रिंटिंग करता है, अब हम डेजी बिल प्रिंटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये देख सकते हैं ये एक बिल है, बिल मतलब ऐसे गोल सा सर्कल है, ये ऐसे गोल है, और इसके ऊपर देख सकते हैं अगर मैं इसको जूम करूँ ना थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर वो लिखा हुआ है, लेटर लिखे हुए हैं जो भी हमने प्रिंट करवाने हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मतलब जो व्हील होता है ना ये प्रिंटिंग करता है, इसलिए इसको हम डेसी व्हील प्रिंटर बोलते हैं।
तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ व्हील प्रिंटर प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी प्रिंट एंड इट कांट प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट। ग्राफिक आउटपुट का सिंपल सा मतलब है कि जो हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रिंट करनी है इसके अंदर नहीं हो सकती, इसके अंदर आपका मतलब ग्राफिक वाला काम नहीं हो सकता, इसके अंदर आपका सिर्फ जस्ट आप लेटर कोई टाइप करना है कुछ भी तो वो कर सकते हो डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर। एंड इसके अंदर भी ये हम पढ़ लेते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है कि इसमें वेरी नाइस क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन आती है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स से में आपने देखा कि डॉट डॉट आते हैं, लेकिन इसके अंदर डेजी व्हील के अंदर क्वालिटी ठीक आएगी लेकिन स्पीड इसकी भी स्लो होगी, ये भी याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, हेड लाइज ऑन द व्हील, व्हील होता है ऐसे गोल, तो एंड पिंस कॉरस्पॉन्ड टू करेक्टर, पिन लगी होती है उसके ऊपर करेक्टर होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप जा रखोगे। फाइनली चलते हैं लाइन प्रिंटर की तरफ, तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंटर की दो टाइप्स, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। आगे जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी भी दो टाइप, करेक्टर एंड उसके बाद आपने पढ़ा लाइन प्रिंटर। करेक्टर की भी दो टाइप है, करेक्टर के अंदर आपने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन की भी दो टाइप है। सिंपल सी बात है, वो दो दो वाली वो बनाते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, वो चेन बनाते हैं जो मल्टी मार्केटिंग, दो जोड़ेगा वो भी आगे दो जोड़ेगा, उसी पैटर्न को फॉलो कर लेना इम्पैक्ट के अंदर। और यहाँ पे इसका आ गया ड्रम प्रिंटर और ये आ गया चेन प्रिंटर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं नोट करवा देता, इसमें लिखी नहीं है पर आप याद रखोगे, द स्पीड जो आपकी स्पीड मेजर की जाएगी ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, वो की जाएगी आपकी, मैंने बताया था यहाँ पे मैंने आपको मेजरमेंट यूनिट बताया हुआ है 3, तो करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से की जाएगी, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने करेक्टर प्रिंट कर रहा है उसकी स्पीड मेजर की जाएगी डॉट मैट्रिक्स की। बाकी मैं पेज पर मिनट वाली भी बता रहा हूँ वो कौन करेगा, लेकिन ये जा रखोगे स्पीड जो मेजर है ना वो डॉट मैट्रिक्स की कैसे की जाएगी, करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इधर लिखा नहीं है बट जा रखोगे करेक्टर पर सेकंड CPS। आगे नेक्स्ट चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने लाइन प्रिंटर देखा, लाइन प्रिंटर का सिंपल सा मतलब है, करेक्टर का मतलब था वन करेक्टर एट ए टाइम और लाइन का मतलब है प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, जैसा वो है ना वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन वन जा रखना कि वन लाइन वो वन करेक्टर, सामने देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ लाइन प्रिंटर, तो जो क्या करता है लाइन प्रिंटर आर प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, मतलब कि मैंने सीधी सी एक लाइन लिखी है, ये एक लाइन है ना यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनती है एक लाइन बनती है, तो ये डायरेक्ट एक लाइन प्रिंट कर देगा मतलब एक टाइम पे। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर आर लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कॉटरेज, तो मैंने ये आपको यहाँ पे ना एक चीज और याद रख लेनी है इसके साथ, एक ये पॉइंट याद रखेंगे विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रेज यूज्ड, कि उसकी अंदर जो भी कार्ट्रेज यूज हो रही है उस पर डिपेंड करती है। एंड फाइनली आपको याद रखना है कि लाइन प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, दिस प्रिंटर लुक्स लाइक अ ड्रम, ये ड्रम की तरह होते हैं, तो दिखा भी देता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रम प्रिंटर की इमेज नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने जा रखना ये ड्रम की तरह होते हैं, ड्रम की शेप में होते हैं, और ड्रम आपको पता ही है कैसा होता है, वाई इट इज़ कॉल्ड ड्रम प्रिंटर, इसको क्यों ड्रम प्रिंटर कहा जाता है, द ड्रम सरफेस हैज़ ए नंबर ऑफ ट्रैक्स, कि उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, और आपने ये याद रखना है टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर, टोटल जो ट्रैक्स होते हैं वो इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर होता है, एंड फॉर अ पेपर विड्थ इसकी 132 करेक्टर की होती है, ये भी याद रखें, और ड्रम विल हैव 132 ट्रैक्स होते हैं, बस इतना याद रखेंगे। और ये जो ड्रम प्रिंटर है इनमें से, तो इसकी वेरी हाई स्पीड है, अगर पूछा जाए ना कि आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे होते हैं स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें बताया हुआ कि ड्रम प्रिंटर की स्पीड हाई है
एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं बोल रहे कि ऐसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से अगर देखा जाए तो ड्रम प्रिंटर की स्पीड हाई है, तो वो लिखा हुआ है। क्यों क्यों हाई है ये भी बता देता हूँ। दीज प्रिंटर प्रिंट बिटवीन 300 से लेके 2000 लाइंस पर मिनट के अंदर ये प्रिंट कर सकता है। तो जो आपको वेरी हाई स्पीड प्रिंटर है इंपैक्ट प्रिंटर में से, वो आपको कौन सा लग रहा है? वो आपको लग रहा है ड्रम प्रिंटर। जा रखेंगे ड्रम प्रिंटर लग रहा है इंपैक्ट प्रिंटर में से सबसे हाई स्पीड इंपैक्ट में से। लेकिन पूरे प्रिंटर में से अगर पूछा जाए कि सभी प्रिंटर में से किस प्रिंटर की सबसे हाई स्पीड होती है, तो हमेशा याद रखना लेजर प्रिंटर आएगा। लेजर प्रिंटर ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिपेंड करेगा मल्टीपल कैसे पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है ड्रम और लेजर प्रिंटर का याद रखना है। ये इंपैक्ट में से है, वो ओवरऑल में से। तो यहाँ पे इन दिस यहाँ पे लिखा हुआ है चेन प्रिंटर क्या होता है, तो चेन प्रिंटर की बात कर लेते हैं। इन दिस प्रिंटर बिकॉज चेन ऑफ करेक्टर सेट्स आर यूज्ड हैंस दे आर कॉल्ड, मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर चेन यूज होती है, उसके अंदर आपका ड्रम का पैटर्न था, इसके अंदर आपका व्हील का पैटर्न था, और उसके अंदर मतलब वो जो चीज़ें उसके अंदर डॉट डॉट प्रिंट कर रहा था, सेम चीज़ उसी से उसका वो नाम डाल दिया गया है, कुछ चेंज है नहीं है। तो ये आपको याद रख लेना है, बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये आपको स्टैंडर्ड करेक्टर में हैव इतने करेक्टर हो सकते हैं, 48, 64 या 96 करेक्टर हो सकते हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। अभी इसको सम अप भी करूंगा एक ट्रिक के साथ, कभी भी ट्रिक नहीं भूलेगी, क्योंकि जो मल्टीपल पूछे जाते हैं ना वो दिमाग में रखने पड़ते हैं, कैसे याद रखेंगे मैं बताऊंगा। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जी, हम ज़्यादातर प्रिंटर यूज़ करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको आसपास दिख जाएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो प्रिंटर जो इंक, इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि मैंने बताया था आपको नॉन इम्पैक्ट का मतलब है यहाँ पे नॉट, याद रख लेना, नॉन का मतलब है नॉट, जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को फिजिकल टच नहीं करते, जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, नॉट का नॉन का मतलब क्या है, नहीं करते, जिसमें नहीं करते वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, और जिसमें नहीं करते हैं फिजिकली टच एक दूसरे को वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बस यही लिखा हुआ है। दिस प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट द फिजिकली कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट क्या मतलब, विदाउट विदाउट मतलब उसका फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता विद द पेपर, पेपर के साथ, देन इतना जा रख लो कि नॉन का मतलब नहीं होता और इम्पैक्ट का मतलब होता है इंक और किसका, पेपर का फिजिकली कॉन्टैक्ट, टच बोल रहे हो कॉन्टैक्ट बोल लो, एक ही बात है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन जा रखना, विदाउट स्ट्राइकिंग अंगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर, ये भी आप जा रखने, विदाउट स्ट्राइक मतलब दैट इज, हम ऐसे बोल सकते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग, जो स्ट्राइक नहीं करते अंगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर, फाइनली ये चीजें जा रखनी है। और जो उसके आपके प्रिंटर हैं इंपैक्ट प्रिंटर हैं वो काफ़ी आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये भी याद रखना। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थोड़ी कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू इंपैक्ट प्रिंटर। दिस प्रिंटर प्रिंट वन कंप्लीट पेज एट ए टाइम, करेक्टर प्रिंटर क्या कर रहा था, एक समय पे एक करेक्टर प्रिंट कर रहा था, अगर आपको याद होगा तो। करेक्टर प्रिंटर क्या कर रहा था, वन करेक्टर एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर क्या कर रहा था, वन लाइन एट ए टाइम। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या कर रहा है, वन पेज एट ए टाइम। तो सिंपल सी बात समझ सकते हो कि अगर आप वन वन करेक्टर प्रिंट कर रहे हो एक पेज को, मान लो प्रिंट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप वो प्रिंटर वन बाई वन एक लाइन कर रहा है, तो एक पेज में 10-15 लाइनें हैं, तो वो तो 10-15 लाइनें प्रिंट करने में टाइम लगाएगा ना। ये क्या कर रहा है, ये वन कंप्लीट पेज, पूरा का पूरा पेज ही एक टाइम में प्रिंट कर देता है, एक ही टाइम पे एक ही पेज प्रिंट कर देता है डायरेक्ट, मतलब इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने सिंपल सी बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा स्पीड और हाई क्वालिटी के जो प्रिंटर हैं वो कौन से हैं, वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है सॉरी, यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, स्पीड में सबसे ज़्यादा और जो आपकी क्वालिटी में सबसे ज़्यादा है वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो हम यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो ये याद रखना। अभी इसमें से कौन सा सबसे स्पीड वाला वो भी देखेंगे। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। तो ये सबसे ना ये जो वाला मल्टीपल है ना, ये पूछा गया था अभी SBI बैंक में कि पेज प्रिंटर जो लाइन जो आपका लेजर प्रिंटर है ना उसको हम वो बिलोंग कहाँ करता है, वो आपका पेज प्रिंटर में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, और जो लेजर प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर की ही एक टाइप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दीज प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स, लेकिन ये गलत है, इसकी दो टाइप नहीं होती, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे मेन जो टाइप है वो लेज़र होती है और इंक जेट प्रिंटर होता है। अभी दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ये बता देता हूँ। ये जो लेज़र प्रिंटर है ना, इसमें से मल्टीपल पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंक जेट और लेज़र। लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखे हैं ये वाले प्रिंटर ना, ये सभी ने देखे हैं, जो जो भी फोटो स्टेट करवाने गया होगा ना, तो जेरोक्स कॉपी जो जिसने भी करवाई होगी उसने वो प्रिंटर देखे हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले बात कर लेते हैं इंक जेट प्रिंटर की। इंक जेट प्रिंटर ये प्रिंटर है जिसमें इंक इंक पड़ती है, सिंपल सी बात है, तो ये आपने जा रखना है, इंक पड़ती है इसके अंदर। एंड फाइनली हाई क्वालिटी का प्रिंट करता है, ये भी पता होगा, और इसका रेजोल्यूशन आपका 300 DPI होता है, डॉट पर इंच, ये जा रखेंगे आपका इंक जेट प्रिंटर। और इंक पड़ती है, इंक अब मैं यहाँ पे इंक वाली बॉटल भी दिखा देता हूँ, ये कैसे ये देख सकते हैं, ये तीन होते हैं इसके अंदर, एक के अंदर जो मैंने रखा हुआ प्रिंटर, सभी बच्चों ने देखा हुआ है इंक जेट प्रिंटर, तो मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने सभी ने देखा हुआ है। तो फाइनली उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर कॉपी भी निकाल सकता हूँ, उसके अंदर इंक पड़ी होती है, तो ये यहाँ पे इंक डालने के लिए दिए हुए हमें अलग अलग से, यहाँ पे येलो रेड एंड जो आपका ब्लू है, सॉरी ये आपका तीन कलर होते हैं इसके अंदर, तो ये आपने जा रखना है। और आपका ब्लैक भी होता है, एक अलग से होता है वो, ये भी जा रखें। और ये रेड नहीं होता, ये आपका RGB जो कलर होते हैं ना वो जा रखेंगे, RGB कलर ये प्रिंट करता है हमारा इंक जेट प्रिंटर। फाइनली नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, एंड ये आ गया आपका ये वाला, हाँ ये वाला प्रिंटर भी सबने देखा होगा, ये वाला आपने देखा होगा लेज़र प्रिंटर, जो फोटो स्टेट करवाते हैं आपने देखा होगा कि जब फोटो स्टेट करते हैं वो जो जीरोक्स कॉपी निकाल रहे हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे एक लाइट चलती है ऐसे से, तो इस लेज़र चलती है ना, तो लेज़र प्रिंटर, सिंपल सी बात है। एंड ये क्या करता है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटर, और सबसे बेस्ट प्रिंटर जो है, जो स्पीड में सबसे ज़्यादा है, और आपका पूरे प्रिंटर अगर पूरे इम्पैक्ट प्रिंट सॉरी इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर सबसे स्पीड वाला प्रिंटर है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से, वो आपका लेज़र प्रिंटर है। इम्पैक्ट में से तो होगा ही होगा क्योंकि इम्पैक्ट वाले स्लो प्रिंटर है, वो सबको पता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, सबसे फास्ट प्रिंटर आपका लेज़र प्रिंटर है, ये आपसे मल्टीपल पूछ लिया जाता है, तो ये आपको जा रखना है। आपको पता होगा जी जेरोक्स कॉपी करवाते हैं हम कितनी जल्दी वो निकाल देते हैं फोटो स्टेट, तो फाइनली ये आप जा रखोगे। रेजोल्यूशन इसका आपका 600 से लेके 1200 DPI के अंदर होता है, और इंक जेट का 300 के करीब आपका होता था। और टाइप्स बहुत सारी हैं प्रिंटर की, मैं यहाँ पे बोल सकता कि दो टाइप है, दो टाइप नहीं है, गलत है ये लिखा हुआ। फाइनली इसकी क्या क्या टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर देख लेते हैं सबसे पहले, लेज़र दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, ये जा रखेंगे, लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर बोल रहे हैं। दीज यूज लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट, लेज़र लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जा रखेंगे, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करता है डॉट नीड टू फॉर्म द करेक्टर टू बी प्रिंट ऑन अ पेज। तो इसके अंदर ना जो स्पीड मेजर की जाती है ना वो की जाती है पेज पर मिनट, जा रखना पेज पर मिनट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एट ए टाइम वन पेज प्रिंट करता है, तो सबसे स्पीड वाला प्रिंटर कौन सा है, वो भी लेज़र है। सबसे जो नॉन इम्पैक्ट में सबसे तेज प्रिंटर है वो कौन सा है, वो आपका लेज़र प्रिंटर है सबसे। एंड फाइनली स्पीड जो इसकी मेजर की जाती है वो आप की जाती है
पेज पर मिनट के अंदर, पेज पर मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर कितने पेज निकालता है वो उसकी स्पीड है। एंड फाइनली क्वालिटी तो आपको पता ही है कि उसकी डीपीआई, सभी में सभी की डीपीआई में डॉट पर इंच ये जा रखेंगे। एंड इंकजेट प्रिंटर की बात कर लेते हैं, तो इंकजेट प्रिंटर आर न्यू टेक्नोलॉजी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दे प्रिंट करेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक। मैंने बताया ना कि हम क्या करते हैं, उसमें इंक फिल कर देते हैं, जो हमारी कॉटरेज होती है वहां पे आप देखते हो कि हमारा जो इंक जेट प्रिंटर है वहां पे ऐसे 4 टैब बने होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं इंक डाल देते हैं। वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोर्शन वाले, तो उसके अंदर एक ब्लैक वाला होता है और 3 आपके कलर वाले होते हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे तो आपको जा रखना है, येलो कलर होता है मैग्नेट, जो आपका एम से मैग्नेटिशिया कलर होता है। फाइनली आपका सी से एक कलर होता है, ये भी जा रखें, इसका मुझे पता नहीं लेकिन आप जा रखेंगे। 3 कलर होते हैं और एक ब्लैक वाला कलर होता है। एंड नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बुक में लिखा हुआ है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बड़ी सारी टाइप्स हैं, वो कितनी है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मटेरियल जो उठाया हुआ है उन्होंने अलग से बुक से लिया हुआ है। तो अरिहंत बुक वाले बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने भी 4 टाइप्स दी थी एक साथ दे दी थी, तो ये सही नहीं था। तो फाइनली यहाँ पे चल रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। बुक्स में भी काफ़ी सारा मटेरियल कम होता है, तो 2-3 बुक से कर लेना होता है आपने, एक बुक से ना पढ़े। यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर ले, तो नॉन इम्पैक्ट में आपको सिंपल सी बात वही जा रखनी है जो मैंने बताया था। एंड उसके बाद इंक जेट मैंने आपको बता दिया था। एंड फाइनली चल रहे हैं, हाँ ये देख सकते हैं इसमें थर्मल प्रिंटर भी आ गया, थर्मल प्रिंटर। तो ये जो आपकी फैक्स मशीन होती है दैट यूज रोल ऑफ पेपर एंड आर आल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर टाइप, फैक्स मशीन एग्जांपल हो सकती है, तो ये आपने जा रख लेना ये पॉइंट। नेक्स्ट वाला चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर भी होता है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ वेरी फास्ट प्रिंटर है एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आएंगे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपके पेज प्रिंटर ही होते हैं सभी। एंड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर भी बोलते हैं, ये आप जा रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर को। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर भी होते हैं, ये भी जा रखें। कहने का ये मतलब है कि नॉन इम्पैक्ट की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी। मेन टाइप आपको पूछ लेंगे पेपर में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये जो लेज़र प्रिंटर है ना, इंकजेट प्रिंटर आप जो घर में यूज़ कर रहे हो, आपका इंकजेट प्रिंटर है, कलर प्रिंटर निकाल रहे हो, अभी मैंने भी रखा हुआ इंकजेट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जिस पे आप A4 वाला प्रिंट करवाते हो, फोटोस्टेट करवाते हो ना, तो जेरॉक्स कॉपी जो भी निकालोगे, फाइनली ये आपका लेज़र प्रिंटर होता है। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ये भी जा रखें, और हाई क्वालिटी का प्रिंट करता है, ये भी जा रखें। तो नेक्स्ट बाकी जा रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी होते हैं, कुछ बता सकता हूँ, यहाँ पे आपका 3D प्रिंटर, वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आएगा। तो टारगेट किसको करना है, आपने इम्पैक्ट प्रिंटर को करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर की टारगेट इसलिए करना है क्योंकि उसकी जो 4 टाइप्स है अच्छे से पढ़ लेनी है। वो पूछेंगे कि इसमें से बताओ इम्पैक्ट कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, तो इम्पैक्ट पढ़ा होगा तो आपने आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब याद कैसे रखना है, पहली सुजेशन ये दूंगा कि सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पहली सुजेशन तो मैं यही दूंगा कि सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर को याद कर लेंगे, क्योंकि जो मल्टीपल पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा बताओ कि इसमें से इम्पैक्ट कौन सा है और नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। पहली सुजेशन यही दूंगा कि सभी याद कर लें, और दूसरी सुजेशन ये दे रहा हूँ कि अगर कोई याद नहीं कर सकता ना, तो उसने अगर ट्रिक के साथ ही कोई मार्क करना है मल्टीपल, तो वो क्या करेगा, आईडी याद रख लेगा। आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड नहीं, आईडी मतलब कि इम्पैक्ट वाले जो होंगे ना वो डी से स्टार्ट होंगे, जैसे आपका ड्रम प्रिंटर हुआ, क्लियर, जैसे आपका डेजी व्हील प्रिंटर हुआ। तो फाइनली ये कहने का ये मतलब है कि डी से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा जब मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, तो आपका जो लाइन प्रिंटर है वो आया था, एक ये जा रख लें अभी, क्योंकि अगर आप डी वाला जा रखते हो, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील ड्रम, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील ड्रम और लाइन प्रिंटर,
तो ये आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने जा रखना है, लाइन भी जोड़े, ड्रम भी आ गया और डॉट मैट्रिक्स भी आ गया। लेकिन अब क्योंकि मैंने बोला हुआ है याद करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड नहीं, आईडी मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर डी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 90% बता रहा हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन 100% डी वाले नहीं देख के लगा देना। फाइनली डी वाला होगा, जा रखे ड्रम, डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर भी इसके अंदर ही आ गया। तो चार अगर आपने याद कर लिए ना, तो आपके मल्टीपल अभी आप देखना कितने सारे मल्टीपल इसके साथ सॉल्व कर दोगे। तो जा रखना कि इसमें से जो स्पीड है वो आपके ड्रम प्रिंटर की ज़्यादा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जा रखेंगे, डॉट डॉट प्रिंट करता है, और जो आपका लाइन प्रिंटर है वो तो आपको मैंने बता दिया था, और करेक्टर प्रिंटर और वो जो आपका लाइन प्रिंटर है ना, ये उसकी दो टाइप है, लेकिन मल्टीपल जैसे पूछते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट मल्टीपल सॉल्व करते हैं, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर चल रहे हैं मल्टीपल की तरफ। अच्छा एक चीज़ और जा रखें, कुछ बच्चों को ना ये बहुत मतलब कन्फ्यूज़न है और काफ़ी सारे डाउट्स हैं, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। क्योंकि लिखा क्या होता है, एक प्रिंटर है, एक प्लॉटर है, दोनों आउटपुट है। अगर लिख दिया जाए ना हाई क्वालिटी, मल्टीपल ऐसे पूछ लिया जाए कि हाई क्वालिटी प्रिंट करना है, तो आप उसका आंसर प्रिंटर लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लिख देता हूँ जहाँ पे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब मैंने जैसे बताया था कि आपको इमेज कोई प्रिंट करनी है फुल एचडी के अंदर, जो आपको कुछ चीज़ें ऐसे प्रिंट करनी है, तो ग्राफिक्स उसके अंदर जो आ गया, तो आपको प्लॉटर जा रखना है उसके लिए। ये भी एक टाइप का प्रिंटर ही है, ये प्रिंटर ही है। पढ़ लेते हैं इसके रिलेटेड थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, प्लॉटर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस है, सबको पता है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट यूजेज अ पेन पेंसिल मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं, उसको जितना मर्जी जूम कर दिया जाए ना, उसके पिक्सल ख़राब नहीं होते, जा रखना पिक्सल ख़राब नहीं होते। मतलब छोटी सी इमेज भी होगी, आप जितनी मर्जी में उसको जूम करते जाओ, वो आपके ख़राब नहीं होंगे पिक्सल। अ प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक अ प्रिंटर। एक स्पेशल डिवाइस है, मतलब जो भी मान सकते हो उसको, वो एक प्रिंटर की तरह ही है। उसको बनाया स्पेशल इसलिए गया, दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑन पेपर, इमेजेस, तो ग्राफिक्स जा रखना इससे, इमेजेस लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये नहीं लिखा हुआ टेक्स्ट। एंड दे आर मेनली यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स हैं जो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं। जैसे मैंने कहा था HD, कल उसने पूछा था सुमित वर्मा ने, तो मैंने कहा था HD इमेजेस प्रिंट करते हैं फुल HD, तो वो बड़ी इमेजेस होती हैं, तो वो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ नहीं करते। और ये कंस्ट्रक्शन प्लान्स ब्लू प्रिंट निकालते हैं, जो होते हैं ना आपके, जो भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियर कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो मैप तैयार करते हैं, ब्लू प्रिंट मतलब मैप तैयार करते हैं, बड़े बड़े होते हैं वो, काफ़ी बड़े होते हैं, उसका जो HD क्वालिटी में प्रिंट चाहिए होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ऑटो कैड। तो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ये तो पता है, ऑटो कैड वगैरह एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो तैयार करते हैं। तो ये जा रखना है, प्लॉटर के अंदर प्रिंट किया जाता है, ग्राफिक्स वाला काम हाई क्वालिटी वाला, इमेज वाला जा रखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। हाँ इसमें भी कहा गया है, अच्छा ये आपने देखा भी होगा, ये प्लॉटर है ना, ये आपने देखा होगा, जो आप बड़े बड़े बैनर देखते हो आसपास, देख लेना स्कूल के कहीं भी बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं ना, वो सारे प्लॉटर के थ्रू ही प्रिंट किए जाते हैं, प्लॉटर के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं बैनर। फ्लैक्स भी बोलते हैं हम उसको, पोस्टर भी बोलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर होते हैं आसपास दिख जाते हैं आपको, तो जितने भी लगे होते हैं वो प्लॉटर के अंदर होते हैं। प्लॉटर यूजली कम इन टू टू डिज़ाइन, दो डिज़ाइन होते हैं, कि फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ये प्लॉटर आपका स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है, ये जा रखें स्मॉल साइज़ का होगा। एंड विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज, इसके अंदर ना साइज़ होता है, मतलब उसके अंदर पेपर है ना उसका एक साइज़ रखा होता है कि इतना आप उसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जो ड्रम वाला है ना, इसका बहुत बिग साइज होता है, इसमें रोल यूज़ किए जाते हैं, अनलिमिटेड लेंथ। जैसे कि मैं अभी सॉफ्टवेयर चला रहा था, इसका ही सॉफ्टवेयर होता है कोरल ड्रा, तो मैंने स्टूडेंट को बताया था कि हम इसके अंदर चाहें तो
50 फीट का भी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। बोलते हैं सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, 50 फीट का पोस्टर तो आपने बना लिया लेकिन प्रिंट कैसे करोगे? तो वो भी प्लॉटर के साथ ही होता है, जा रखेंगे जो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है ना वो इसलिए चलाते हैं। तो फाइनली उसके अंदर यही काम हो रहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, प्रैक्टिकली तो मैं आपको बड़ा कुछ सिखा सकता हूँ लेकिन थ्योरी में भी थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट इसका होना चाहिए। एंड यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वाले कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा, मल्टीपल आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर तो आपको कोई डाउट आने नहीं वाला। तो देख लेते हैं कि क्या आप मल्टीपल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे कल छोड़ा था, हाँ ये वाला जो मैंने बताया था ये एक गलत हो गया था, इस बुक में गलत है। यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर जो आपका होता है वो आपको मैंने बताया करेक्टर पर मिनट के हिसाब से होता है, पेज पर मिनट के हिसाब से भी होता है। तो फाइनली ये वाला तो हो ही नहीं सकता, अरिहंत बुक वालों ने DPI इसका आंसर दिया हुआ है और DPI आंसर के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो DPI होता है अभी मैंने बताया डॉट पर इंच, वो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रिंटर आता है। तो हो सकता है यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया हो तो इसको ठीक कर लेंगे। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर, तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर कैसे मेजर की जाती है? डॉट पर इंच के अंदर मेजर की जाती है, जा रखेंगे। फाइनली बाकी स्पीड ऑफ प्रिंटर की हम नहीं कह सकते, अगर यहाँ पे लिखा होता स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर तो उसकी आपकी पेज पर मिनट आ जाती, लेजर प्रिंटर की जो आ जाती ना वो पेज पर मिनट आ जाती। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर दो दिए हुए हैं मेजरमेंट यूनिट, तो एक पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है और ये आपको जा रखना है। हाँ बिल्कुल CPS होता है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे CPS होता है सेकंड, करेक्टर पर सेकंड, ये जा रखेंगे। एंड यहाँ पे पेज पर मिनट होता है तो ये आपने जा रखना है। मेरा कहने का मतलब ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड नहीं लिखना, यहाँ पे क्वालिटी आएगा तो डॉट पर इंच, इसलिए इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 57 वाला डैश प्रिंटर कैनॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम, मोर देन वन करेक्टर। तो मोर देन वन करेक्टर का मतलब है एक करेक्टर से ज्यादा वो टाइप नहीं कर सकता। वो कौन सा प्रिंटर होता है जल्दी से कमेंट कर दें। तो मैंने आपको जल्दी से कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट जिसको पता है। मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम, डॉट मैट्रिक्स क्या करता है? डॉट डॉट प्रिंट करता है, तो वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो वन करेक्टर से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता, ये जा रखें। यहां पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, इसका आंसर होगा पेपर मूवमेंट्स। तो वहां पे राजू शर्मा ने और विधि शर्मा ने राइट आंसर दिया था डॉट मैट्रिक्स, जा रखेंगे। डॉट का मतलब डॉट डॉट प्रिंट कर रहा है तो मोर देन वन करेक्टर एट वो नहीं कर सकता, स्लो होता है ना सबसे, बताया था। एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट, पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं CPU के साथ, फाइनली वो हमारा क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो अभी ये आपको पता है कि स्प्रेडशीट तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आपका एक्सेल है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये तो हो ही नहीं सकता। डिवाइस होगा, डिवाइस मतलब आपका जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइनली ये तो होगा नहीं, इसका आंसर है प्रिंटर। जिसको हम प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करते हो, CPU के साथ बाहर से ही कनेक्ट करते हो ना, तो ये याद रखना वो आपके पेरिफेरल इक्विपमेंट के अंदर आते हैं जिसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। क्या क्या करते हैं CPU के साथ? मॉनिटर करते हैं, माउस करते हैं, कीबोर्ड करते हैं, प्रिंटर करते हैं, ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आते हैं। इसमें देख लो ये पूछ लिया गया डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स किसकी टाइप है? प्रिंटर की टाइप है। तो ये आप जल्दी से आंसर किया करो। तो यहाँ पे विधि शर्मा ने राइट आंसर किया प्रिंटर। अब ये लिखा हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा ना, तो आपने अगर टिकट काउंटर पे देखा होगा तो वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे जो वो प्रिंट करता है ना, पहले इस ऐसे प्रिंट करता है फिर ऐसे प्रिंट करता है, उसको हम बोलते हैं वाई डायरेक्शनल। तो जा रखना वाई डायरेक्शनल।
इसमें से बताना आपको इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो रख लो याद, बताया था ना आईडी, आईडी बताया था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या बताया था मैंने, आईडी। इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कैसे जा रखोगे, आईडी मतलब जो इम्पैक्ट होंगे वो डी से स्टार्ट होंगे। तो ये क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इम्पैक्ट है और ये भी आपका इम्पैक्ट है। डी से स्टार्ट हो रहे हैं ना दोनों, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये थ्री डी है एक, तो ये नहीं देख लेना कि यहाँ पे डी आ रहा है, डी नहीं, मैंने बोला डी से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट लेटर डी होना चाहिए। तो डी डी फाइनली इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, ये उनके लिए जो जा नहीं कर सकते। तो सभी ने राइट आंसर दिया, पहले विधि शर्मा, कोनिका और अदित्य ने राइट आंसर दिया इसका, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देख सकते हैं आप, इस कर सकते हैं, कोई इतना वो है नहीं मुश्किल। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटर, कोई भी हो, ड्रम हो, इम्पैक्ट हो, नान हो, इम्पैक्ट हो, डेजी विल प्रिंटर हो। प्रिंटर देख गया ना तो पता ही होगा प्रिंटर क्या होता है, इनपुट होता है कि आउटपुट होता है। जल्दी से कमेंट करें, सबसे पहला कमेंट देखते हैं किसका आता है। तो विधि शर्मा ने कहा आउटपुट है, बिल्कुल राइट आंसर, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी यहाँ पे जो मल्टीपल पूछा गया ना, ये आरबीआई ग्रेड में पूछा हुआ है, बी में, लेकिन पूछा कैसे है अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने मेरा वो मेथड लगा लिया कि जो मैंने जैसे कहा हुआ है, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो डी से स्टार्ट होंगे, डी से स्टार्ट होंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये डी इन्होंने क्या किया, वो एक इम्पैक्ट का दे दिया, एक नॉन इम्पैक्ट का दे दिया, एक इम्पैक्ट का दिया, एक नॉन इम्पैक्ट का। तो ये डी से स्टार्ट हो रहा है, डॉट मैट्रिक्स किसके हो रहा है, डी से स्टार्ट। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने कहा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, तो ये इन्होंने नॉन इम्पैक्ट का दिया, ये इम्पैक्ट का दे दिया, तो ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट थोड़ी हो सकता है। और डी वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो भी डी से स्टार्ट होंगे वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। इन्होंने पूछा नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से है इसमें से, तो इंक जेट भी नॉन इम्पैक्ट है और लेजर भी नॉन इम्पैक्ट है, तो इसका ये सेकंड वाला आंसर है। और कोनिका ने बिल्कुल, विधि ने, शर्मा ने राइट आंसर किया था, राजू शर्मा ने भी। फाइनली एक चीज आ रखी, अभी जब आंसर कर रहे हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर किया करो, ए बी सी आंसर नहीं किया करो, क्योंकि वो जैसे मल्टीपल पूछा उस हिसाब से किया करो। तो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपने सिंपल जा रखना है, जैसे मैंने कहा ना, एक पेयर बनाए हुए हैं, एक आपका क्या दिया हुआ है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट दे दिया, एक आपका इम्पैक्ट दे दिया क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है, एक आपका क्या दे दिया, एक आपका नॉन इम्पैक्ट दे दिया, एक फिर से इम्पैक्ट दे दिया। तो ये इम्पैक्ट वाला तो हो गया नहीं, क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंट की, प्रिंटर की जो स्पीड होती है ना, वो कैसे हम मेजर करते हैं ये बताना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे लाइन देखेंगे, लाइन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर है वो करेक्टर पर मिनट है, सेकंड वाला जा रखेंगे, लाइन प्रिंटर का जो करेक्टर पर मिनट के हिसाब से जा रखना, इसका आंसर करेक्टर पर मिनट है। वहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया था कि आपको करेक्टर पर मिनट भी होता है, लेकिन राजू शर्मा बोल रहे थे वहाँ सेकंड वाला भी होता है, तो जा रखना मिनट के हिसाब से भी होता है, क्योंकि सेकंड को मिनट के हिसाब से भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जा रखना सीपीएम भी होता है। एंड इन लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम ऑन डैश सरफेस ऑफ अ ड्रम। तो इसका आंसर आपका है फोटो सेंसिटिव, जो जा रख लेना आप फोटो सेंसिटिव। एंड फाइनली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर आर यू श्योर, तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि विल नॉट टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपका उद्देश्य पता क्या है, प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म। मल्टी कार्बन फॉर्म पता क्या होते हैं, मैं सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या करता हूँ, रिसिप्ट देता हूँ। तो आपको पता है जब मैं आपको रिसिप्ट देता हूँ ना, तो एक आप ले लेते हो प्रूफ, फाइनली एक मैंने नीचे कार्बन रखा होता है, एक प्रूफ मेरे पास रहता है, तो वो मल्टी कार्बन फॉर्म, मतलब एक मैं क्या करता हूँ, एक अपने पास प्रूफ रखता हूँ, एक आपको दे देता हूँ। अब इसने कहा कि अगर आपको प्रिंटर से वो चीज़ करनी है, आपका ये मोटिव है कि प्रिंटर से वो चीज़ करनी है, तो आप इनमें से कौन सा प्रिंटर यूज़ नहीं कर सकते, विल नॉट टू यूज़, इसमें से कौन सा प्रिंटर यूज़ नहीं कर सकते उस ऐसे काम करने के लिए, तो हमेशा याद रखना लेज़र प्रिंटर। क्यों, क्योंकि लेज़र प्रिंटर करता है पेपर प्रिंट, पेपर पे प्रिंट करता है ना, जो आपने जेरोक्स कॉपी वगैरह निकालते हो, तो वो तो सीधा फोटोस्टेट करता है। हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहते हैं कि एक नीचे भी हमारे पास कॉपी रहे और एक हमारा ऊपर भी जो भी कॉपी होगी वो हम कस्टमर को जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं, फाइनली हमारे पास भी प्रूफ रहता है।
तो उसके उसमें बाकी वाले यूज़ कर सकते हैं, ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे जा रख लो। लेज़र वाला आंसर है इसका। अच्छा ये बोल रहा है कि लेज़र प्रिंटर बिलोंग टू, लेज़र प्रिंटर बिलोंग टू, सिंपल सी बात है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये पता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम क्या बोलते थे, उसका दूसरा नाम क्या था? तो कोनिका ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, पेज प्रिंटर। जा रखो अब देखो, जरूरी थोड़ी नॉन इम्पैक्ट बोले, तो लेज़र प्रिंटर है वो भी बिलोंग पेज प्रिंटर को ही करेगा, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है पेज प्रिंटर को बिलोंग करती है। और लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड है वो कैसे मापी जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया था, वो आपकी पेज पर मिनट के हिसाब से, PPM, पेज पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर कितने पेज निकाले लेज़र प्रिंटर। और सबसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे स्पीड वाला प्रिंटर आपका लेज़र प्रिंटर है। अब देखिए मल्टीपल में अगर क्लियर कर लेते हो ना, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में अच्छे से कर लो, तो तभी मैं बार बार एक ही मल्टीपल को तीन बार बताता हूँ, यहाँ पे तीन मल्टीपल आपके निकल गए। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, ध्यान से देखना इस मल्टीपल को, हाई क्वालिटी आउटपुट, हाई क्वालिटी आउटपुट लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी ग्राफिक नहीं लिखा। तो विधि शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये इसकी क्या होती है, हाई क्वालिटी होती है, बताया था ना, हाई क्वालिटी। इम्पैक्ट प्रिंटर की हाई क्वालिटी होती है पेपर प्रिंट करने की, स्पीड ज़्यादा होती है, और मैंने बोला था कि इम्पैक्ट होते हैं ना ये पोअर क्वालिटी के होते हैं, और फाइनली ये भी बोला था कि इसकी स्लो स्पीड होती है, सभी की स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर ही आपके आ जाते हैं। तो सुमित वर्मा ने और बाकी सब ने इसका सही आंसर किया हुआ है, और मतलब ये आपका प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स पूछा हुआ है, सॉरी ग्राफिक्स नहीं पूछा, आउटपुट पूछा हुआ है, तो इसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा। लेकिन अगर यही मैं मल्टीपल ऐसे पूछता हूँ, फॉलोइंग विच प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफिक्स वर्ड जोड़ देता हूँ ना, तो उसका आंसर प्लॉटर हो सकता है। मतलब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का मतलब कोई इमेज या वगैरह वो प्रिंट करनी, तो प्लॉटर आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता, जा रखना, क्योंकि ये प्रिंट के हिसाब से पूछा हुआ है, पेपर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर, रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर का मतलब पता है क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, ये जो फोटोशॉप चलाते हैं उनको पता है। रेजोल्यूशन का मैंने बताया था, आपका जो रेजोल्यूशन हाई होगा तो क्वालिटी आपकी हाई होगी, मैंने बताया था ना, पिक्सल ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी हाई होगी। रेजोल्यूशन भी डिपेंड करता है डायरेक्ट, मतलब रेजोल्यूशन भी एक किस्म की क्वालिटी है, ठीक है। मतलब क्वालिटी ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड, कि जो क्वालिटी होती है ना वो प्रिंटर की हम कैसे मेजर करते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दे, रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्वालिटी ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन, क्वालिटी हम किसी भी प्रिंटर की अगर हम चेक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, सभी को बताया था स्टार्टिंग में, बताया था प्रिंटर वाली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल यही होता है। तो राजू शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, DPI, डॉट पर इंच, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई डॉट पर इंच। सबसे पहले बेसिक मैंने करवा दिया ये पहले ही, डॉट पर इंच, ये आज नहीं, ये आपको बेसिक की जो मेरी बुक है उसके अंदर भी मैंने दो तीन बार करवाया हुआ है, तो ये पेपर में भी आया हुआ है, डॉट पर इंच जा रखेंगे। तो कोनिका, विधि शर्मा, सुमित वर्मा, सभी का राइट आंसर था। अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन, हार्ड कॉपी क्या थी, मैंने बोला था सिंपल सी बात बोली थी कि सॉफ्ट कॉपी तब तक है जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है, इमेज भी हो सकती है, मैंने ये भी बोला था याद होगा तो, और टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है। फाइनली अगर उसको हम प्रिंट कर देना तो वो प्रिंट कर देते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब प्रिंट प्लॉटर भी क्या करता है, प्रिंटर की तरह ही काम करता है वो, इमेज आ गया ना, इमेज को भी प्रिंट कर सकते हैं ना, तो फाइनली हार्ड कॉपी, लाइन प्रिंटर से भी हार्ड कॉपी। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट दिया कोनिका और राजू शर्मा ने, ऑल ऑफ दीस, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीस, जा रखेंगे। देखिए कितने सारे मल्टीपल आपके हो जाते हैं अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। तो नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, और इससे बाहर से कहाँ से आएगा आप खुद ही सोच लो, अच्छे से पढ़ लेना बस, वो जा रखना आईडी वाला, आईडी वाला क्या था, ड्रम डॉट मैट्रिक्स, मतलब जैसे 3P वाला फार्मूला जा रखा था ना, 3D वाला भी रख लो आजाद, 3D इम्पैक्ट नहीं बोल रहा, 3D प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मैं बोल रहा हूँ तीन बार डी लिखना है, और फाइनली आपको जा रखना है कि ये इम्पैक्ट है आईडी, इसका मतलब डी से ड्रम, डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स, तो हो गए आपके इम्पैक्ट वाले तैयार। एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट,
इसने कहा कि बाकी सारे इनपुट डिवाइस है, एक डिवाइस को छोड़ दो, मतलब आउटपुट डिवाइस बताना है इसमें से, जल्दी से बताएं कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो विधि शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। 73 वाला, इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग। अब जा रखना यहाँ पे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लिख दे या लार्ज ड्राइंग लिख दे। लार्ज ड्राइंग मतलब बड़ी, मैंने बोला ना बड़ी इमेजिंग HD क्वालिटी वाली, तो लार्ज इमेजेस, इमेजेस पे आ गए ना, लार्ज ड्राइंग आर इमेजेस, बड़ी बड़ी इमेजेस, वो हाई क्वालिटी होंगी, सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लू प्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो कोनिका ने और विधि ने राइट आंसर दिया हुआ है, राजू शर्मा ने प्लॉटर। प्लॉटर का आपको मैंने स्टार्टिंग में इस कंसेप्ट समझाया था। 74, विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन। कल किया था हमने ये मल्टीपल, जो आपका स्पीकर है, मैंने बोला था ना स्पीकर, हेडफोन के अंदर क्या लगा होता है, तो इसने आज यही मल्टीपल में यहाँ पे पूछ लिया गया कि कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन, क्योंकि हेडफोन के अंदर क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। बोला था ना मैंने कल कि हेडफोन के अंदर स्पीकर होते हैं और हेडसेट के अंदर क्या होता है? हेडसेट के अंदर माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है। तो फाइनली आंसर कौन देता है ये देखते हैं। तो सबसे आंसर जो राइट आ रहा है अभी, वो विधि शर्मा का राइट आंसर आ रहा है, स्पीकर आउटपुट होती है। सुमित वर्मा ने राइट आंसर दिया, स्पीकर आउटपुट होते हैं, जा रखना। ये वाला मल्टीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, और प्लीज इस मल्टीपल को ना कभी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि इस मल्टीपल को अगर आप याद कर लो ना, तो इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट आधे से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। जिसका हम इनपुट भी यूज कर सकते, इनपुट एज ए इनपुट डिवाइस भी उसको यूज कर सकते हैं और आउटपुट भी डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं? सबसे पहला मैंने बताया था हेडसेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आपका माइक होता है, हेडफोन नहीं बोल रहा, हेडसेट, माइक प्लस आपका स्पीकर होता है। अब देखिए, जो माइक है वो आपका इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब इनपुट के जैसा भी काम करता है और आउटपुट के जैसा भी काम करता है, ये तो हो गया। टच स्क्रीन, टच आपकी, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, टॉर्च स्क्रीन लिखा हुआ है, तो टॉर्च नहीं है ये, टच है। बुक वाले गलती करते हैं बड़ी सारी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास जरूर अटेंड किया करो, सिर्फ बुक नहीं ले लिया करो। एंड टच, टच का मतलब क्या है? इनपुट है, इनपुट है। और स्क्रीन का क्या मतलब है? आउटपुट है। तो टच क्या होती है? इनपुट होती है, स्क्रीन आउटपुट होती है। इसका मतलब ये भी हो गया, क्योंकि इसने बोला हुआ है इनपुट भी है एज वेल एज आउटपुट भी है। कल मैंने आपको बताया था आइडियो कार्ड और साउंड कार्ड के बारे में, ये इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, हो गया ना आपको याद? आंसर सभी ने कर दिया है पहले से। अब ये चीज क्या है, ये बता गया है, कोई बता सकता है? फैक्स, मैंने कल बताया था ना फैक्स, फैक्स, फैक्स के अंदर क्या होता है? फैक्स को ही बोलते हैं। एंड फाइनली फैक्स के अंदर क्या होता है? फैक्स के अंदर मैंने बताया था आपको, स्कैन वाला काम भी हो जाता है और प्रिंट वाला काम भी होता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर वाला क्या, स्कैनर क्या हुआ? इनपुट। और प्रिंटर क्या हुआ? आउटपुट। तो इसका मतलब इनपुट भी हुआ आउटपुट भी हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला आंसर आपको याद नहीं करना है, ऑल ऑफ दिस नहीं याद करना। क्या याद करना है? वो याद करना है जो इनपुट भी है आउटपुट भी है। कुछ बच्चे तो ये ऑल ऑफ दिस ही याद करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे जा रख लेना। फाइनली आपने यही याद रखना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है अलग से, ये वाला मल्टीपल जरूर करना है, इसी में से मैं एग्ज़ाम में मल्टीपल डालूंगा। करना क्या है, बेसिकली आपको लिख लेना है इनपुट आउटपुट दोनों। इसके साथ एक चीज़ और लिख लें, मॉडम। मॉडम भी क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों है। अब पेपर में ये पूछ लिया गया है कि मॉडम, वहाँ पे इनपुट भी दिया होता है आउटपुट भी दिया होता है और इनपुट बोथ भी दिया होता है, और मैक्सिमम बच्चे पता क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट लगा लेंगे, बोथ वाला देखेंगे नहीं। तो जा रखना मॉडम भी, जा रखना मॉडम भी क्या होता है? इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। और फाइनली ये वाले भी जा रखोगे, और इसके साथ एक साउंड कार्ड भी जा रख लेना। बस इतने याद कर लो ना, तो कन्फ्यूजन क्लियर है सभी की। नेक्स्ट वाले पे चल रहा हूँ, 76। थ्योरी से आपको बेनिफिट ये होता है कि मैं बार बार आपकी थ्योरी इसलिए रिपीट करवाता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरियल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। तो कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसके लिए ना हम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, और कौन से पोर्ट होते हैं? वो इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ये कल हम पढ़ेंगे पोर्ट्स के बारे में, आज फाइनली यहाँ तक ही रख रहे हैं।
तो ये आपके 76 MCQ हो चुके हैं। और अगर कोई डाउट है वो भी पूछ ले, 80 वाला भी मैंने आपको करवा दिया था, यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म। तो बाकी कल थोड़ा सा रहता है स्पीकर के रिलेटेड थ्योरी कर लेंगे, और जो मल्टीपल है वो भी कर लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब DC वाले आगे, क्योंकि जो बेसिक वालों की थ्योरी है वो हो गई कंप्लीट, लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थ्योरी पढ़ लें सारे। लेकिन मल्टीपल जो तैयारी कर रहे हो ना, मल्टीपल की तैयारी सिर्फ DCA वाले करेंगे, जो DCA वाले बच्चे हैं ना वो मल्टीपल की तैयारी करेंगे। अब जो मैं आगे करवाऊंगा नेक्स्ट, जो भी होंगे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, सिर्फ वो उनका ही सिलेबस है, वो नहीं है आप पेपर में तैयार करके आ जाना बेसिक वाले, DCA वाले करेंगे। DCA वाले कौन से? वो जो आपके अब यहाँ तक जो DCA वाले कोर्स आ रहे हैं ना, वो 1 ईयर के कोर्स वाले आ रहे हैं, 6 मंथ के कोर्स वाले आ रहे हैं, वो DCA वाले सारे कर सकते हैं। और जो बेसिक प्लस डोमा का कोर्स लिया हुआ, जिसने एडवांस लिया, बेसिक लिया, जो भी लिया, तो उसको आप अकाउंट करना है। और थ्योरी कहाँ तक करनी है उसके ऊपर मैंने क्लास बना दी है, थ्योरी यहाँ तक आपने जितनी भी समझी है सारी कर लेनी है। मल्टीपल वही करने जो मैंने आपको बुक दी थी वो वाली। और ये DCA वालों के लिए बोल रहा हूँ कि पेपर में डालूंगा, तो अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ना है। और ये आपको एक मल्टीपल, चलो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, डंब टर्मिनल बताया था ना, डंब टर्मिनल वो डिवाइस होते हैं जिसके अंदर नो प्रोसेसिंग होती है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती, वो खुद प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो डम्ब टर्मिनल में मैंने आपको जब बताया था, तो उसमें हमने क्या किया था, आंसर किए थे, अ डम्ब टर्मिनल हैज़ अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, याद होगा कि तो बच्चों को, अगर पढ़ा होगा ना मेरी बुक को अच्छे से, तो कीबोर्ड आर स्क्रीन, इतनी मेहनत से बुक लिखी हुई है तो ध्यान दें प्लीज़। डम्ब टर्मिनल हैव अ कीबोर्ड आर स्क्रीन, दोनों होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिल रहा है, और यही इसका राइट आंसर है। और अरिहंत की बुक जो भी पढ़ रहे हैं ना वो जा रखना है, इसमें अरिहंत वालों ने गलत दिया हुआ है।